एक पाकिस्तानी हकूम कारकन राहत ऑस्टिन ने दावा किया है कि इतवार के रोज सूबा सिंध में 171 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। राहत ने पीर को बताया कि हिंदू मर्दों, ख्वातीन और बच्चों की तब्दीली पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला सानगढ़ के मदरसा एहसानुल तालीम में मुनक्दा एक इज्तमाही तब्दील की तकरीब में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एक साबिक रुकन नूर अहमद तशार ने उन्हें इस्लाम कबूल करवाया। यहाँ के ज़राए ने बताया कि तमाम हिंदू जिनको मुख्तलिफ़ राबतों पर इस्लाम कबूल करवाया गया भील बिरादरी से थे, जो पाकिस्तान की अकलीती बिरादरियों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा तबका समझा जाता है।